हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंघाल। कई दिनों से मैं चैनल पे अच्छी तरीके से आ भी नहीं पा रहा था। उसका रीजन ये था कि मैं घर से बाहर था चंडीगढ़ में, और मैं इतने दिनों से वेट कर रहा था कि मैं आपको एक बहुत बढ़िया जगह पे लेके जाऊं, जो अपने नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। उसका नाम है छतबीड़ जू, और वो है चंडीगढ़ के अंदर, मोहाली के अंदर। वैसे अभी दिखा देता हूँ इसके क्या रेट थे। और अभी जस्ट आज खुला है ये, आज 10th of December है। कोविड का पूरा ध्यान रखा हुआ है, सैनिटाइजेशन वगैरह। ये नीचे मैट है ना, यहाँ पे नीचे तो पैरों को डिसइंफेक्ट करते हैं और ऊपर हाथों वाला है। तो चलो बस अब स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ का, ठे वाली साइड आप देख सकते हो, ये गेट है मेन। इधर से केजी स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले जो एंट्री करते हैं आपको दिखेगी ये बबून। और पहले याद हो तो जो पहले यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, उनके ना पहले छोटे केजीज होते थे बंदरों के, पर अब ये बहुत बड़े इसमें छोड़ दिया। ये मेल है, ये एक मेल है और कई फीमेल है इनकी यहाँ पे। ये अपने भाई मकैक, जो कॉमन ब्रीड है इंडिया की। एवियरी दिखाते हैं आप सबको, और इसकी ओपनिंग अभी नया रेनोवेट हुआ है मुझे लग रहा है। ये कितनी बढ़िया लग रहा है भाई, मेरे को नॉलेज है जानवरों की, मैंने डिस्कवरी देख देख कर अपना बचपन काटा है। एक और ये रहा पिकॉक, वाइट इंडियन पिकॉक, बहुत सुंदर है ये। आज वॉक दिखाते हैं आपको भाई, अभी मैं बहुत ज्यादा सुंदर है भाई, सेक्सी। ओपन है, सब ओपन है, बिल्कुल ओपन है। ओह ये बिल्कुल ओपन है, देखो अभी देखो यहाँ पे करंट लगा इस तारों में, बाकी चौड़ों की रखी है। और मैं पैलेस वगैरह सारी चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक नंबर भाई, एक नंबर। पहली बार देखा बिल्कुल ओपन है, एवरी एवरी सॉरी, मेरा भी बहुत बड़ा सब मैं भी यहाँ से एवरी बनाना चाहता हूँ, पुराने टाइम में जरूर बनाएंगे। आज ओपन सारा ओपन है, टीवी पैलेस को ये पर सबसे ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये वाला जो पैरेट मैं कह रहा था ना, कई लोग इसे पाल लेते हैं और अपने केजीज में रखते हैं, बहुत बड़ा ऑफेंस है, उसे मत खरीदो, ठीक है। और ध्यान रखो भाई, और जो भी इसको केजेस में रखते हैं ना, वो आप अपने वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स को बता सकते हो। देखो ऊपर भी आ गए। आने वाले टाइम में भाई खुद की एवियरी बनाऊंगा, बस आप लोग साथ देना। कितनी सुंदर जगह है, एक गहरा देख, इसको बिठाऊंगा। हाँ चल चलते हैं फिर, डक वाले में जाएगा ये लेकर, चल अब डक्स वाले, ये जो इनका पैसे बनाया है, बहुत सुंदर है यार, सुंदर है। कमेंट सेक्शन में पक्का बताना कैसा लगा भाई, मैंने बोल करिए पक्का बताना।
बहुत सुंदर है यार, ये देखो इसको करके देखो, ये देखो इसको करके देखो, देखो ये पकड़ के खा रहा, देखो ये खा रहा, इनके ये देखो प्रिय मैंने बनाया है इन्होंने, ये देखो बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा बहुत सुंदर यार, देखो सुंदर बहुत ज्यादा सुंदर बना दिया यार, बिल्कुल ऑल न्यू छत पे इस वीडियो में देख रहे हैं, ऑल वीडियो देखे पर ये चीज देखी होगी आपने, ये इनका खाना पड़ा और ये सारे ये मछलियां ना ये पहले से इधर इसलिए देते हैं, मतलब कि इनको कई छोटे बच्चों ना उनको लेके गया, ये देखिए यहां से आके लेके जा रहे हैं यार, बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा इनको ये देखिए, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर है ईमोस भी, मतलब कि आप इतनी पास से देख पाओगे, और वैसे सही बताओ ये ना डेंजरस वो होती हैं बर्ड्स, ये इंसान को मार भी सकती है, इनके पंजे देख सकते हो आप, ये रहे बाइसन, इंडियन बाइसन, बहुत ज्यादा ताकतवर चीज है भाई, इंडियन बाइसन, और ये ऑस्ट्रेलिया की हाइट का आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने पहले भी क्लिप दिखाया था अभी, वो एक सरदार जी खड़े थे साइड में, कितने हाइट का फर्क है, और ये होगा ये मेल है, कलर से आप देख सकते हो, ये वाला फीमेल है, ये जो आप साउंड सुन रहे हो ना ये लॉयंस के साउंड है, लॉयंस के पीछे लॉयंस सफारी है, उधर केजीज है उनके, इस ये लॉयंस की आवाज है, ये लॉयंस सफारी, ये मेन एंट्रेंस है इसकी, ये बहुत बड़ा वो है, ये बंद है, अभी यहाँ से एंट्री होती है, ये पूरा एक जंगल की तरह, मतलब ओपन जंगल है बिल्कुल ओपन, और इसके अंदर हम जैसे और जो चीज होती है, जैसे कि मोस्टली जूज में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो केज में होते हैं वो, और जो विजिटर्स होते हैं वो ओपनली घूमते हैं, पर इधर ऐसा नहीं है, इधर हम केज में होंगे, केज एज कि हम कह सकते हैं बसेज में होंगे, और ये बिल्कुल ओपन होंगे, पता नहीं ये थोड़ा अभी फैसिलिटी शुरू नहीं करेंगे क्योंकि आज ही खुला है बिल्कुल जू, जैसे कि मैंने बताया था, और ये सारी फैसिलिटी है, डबल प्रोटेक्शन है, डबल डोर है, और एक बार किस्मत होती है तो लोग नहीं दिख जाता है, पर आज नहीं है वो वाली किस्मत, पर मैंने आपको साउंड सुनाई थी उसकी, लोग दहाड़ी रहा था अभी,
मैं कम से कम 2-3 बार आ चुका इस जूम में, और मुझे ये वाले ना ये कभी नहीं दिखा, मतलब कि मुझे कभी दिखा ही नहीं, पर आज मैंने फिगर आउट कर लिया कि भाई ये पता कौन से है। ये देखो ये रहे, ये टर्टल्स है, ये देखो ये रहा और वो रहा, क्योंकि अभी अभी हिले थे। ये देखो भाई मैं आपको दिखाता हूँ क्रोकोडाइल्स, और इनके शेल्टर के अंदर ना भी सफाई हो रही है, ये देखो। और ये रहे बास्किंग कर रहे हैं दोनों। तो भाई अब एंडिंग करते हैं और मास्क ऊपर पहन लो। अभी मैंने आपको दिखाया जो घड़ियाल थे लास्ट, और यहाँ से बबून स्टार्ट होते हैं, यहाँ से बबून वो मेन गेट हो गया, और यहाँ से घड़ियाल स्टार्ट थे, ये एंट्री यहाँ से एंट्री हुई थी और यहाँ से ही एग्जिट है। तो अब मैं सम अप कर देता हूँ, इंडिया का नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है ये, और इसके अंदर जो रेप्टाइल सेंटर था और एक जो होते जो लॉयन सफारी थी और डियर सफारी, वो अभी बंद थी किसी रीज़न की वजह से, वो थोड़े दिनों में खुल जाएगी तो फिर वो कवर कर देंगे। बाकी वो चीज़ ना आपने देख रखी होगी और वीडियोज़ में भी, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, बट जो सबसे नई चीज़ थी वो थी एवियरी, जो ओपन एवियरी थी वो मैंने स्टार्टिंग में डाल दी है। देखो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ऐसी और अच्छी वीडियोज़ के लिए भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ और आप लोगों को पता चले। चलो बस ख़त्म करते हैं, और एक बार ये पीछे की सीनरी देखो कितना अच्छा बढ़िया सी लेक है ये। बाय बाय।